नमस्कार साथियों साथियों, आज हमने सोनीपत में ISO का कार्यक्रम आयोजित किया, जहां पर नए छात्रों के साथ हम मिले, उनकी ज्वाइनिंग करवाई। साथ ही साथ कल हमने कुरुक्षेत्र में भी ISO का एक ऐसे ही सेमिनार आयोजित किया था। और साथियों, बड़ी खुशी की बात होती है ये देखते हुए कि आज ISO केवल एक 1.5 महीने पुरानी ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन इतने स्टूडेंट्स ने, इतने छात्र साथियों ने, इतने साथियों ने बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लिया। एक तो मैं सभी को धन्यवाद कहना चाहूँगा, ISO के सभी, कुरुक्षेत्र की पूरी कार्यकारिणी को मैं धन्यवाद कहना चाहूँगा कि आप आए, आपने हमारा मनोबल इतना बढ़ाया, आपने इतने प्यार से और इतने मान सम्मान से आपने हम सभी का स्वागत किया। साथ ही साथ सोनीपत की भी जितनी ISO की कार्यकारिणी है, आप सभी को धन्यवाद कहना चाहूँगा। आपके साथ मैं इसमें खाना खाते हुए चाहे, इतना बढ़िया लगा, इतना बढ़िया खाना था। और साथ ही साथ दोनों टीम्स को मैं एक चीज़ के लिए ज़रूर कहना चाहूँगा, और साथ ही साथ जो हमारी महिला कार्यकारिणी है, मैं उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। क्योंकि मैंने एक चीज़ देखी, कभी भी मैंने आज तक अपनी ज़िंदगी में कभी छात्र संघ के जब साथी इकट्ठे होते हैं, तो मैंने कभी महिलाओं में इतनी बड़ी पार्टिसिपेशन नहीं देखी। तो सबसे पहले तो जी, और सबसे ज़्यादा मैं हमारी महिला कार्यकारिणी जो है ISO की, मैं आप सभी को धन्यवाद कहना चाहूँगा। आपकी इस पार्टिसिपेशन से, आपके साथ से हमें एक नई ऊर्जा मिलती है, एक नई जान मिलती है, जहाँ हमें देखने को मिलता है कि कहाँ पूरे हरियाणा के अंदर छात्र संगठन में, छात्र संगठन के चुनावों में महिलाओं की पार्टिसिपेशन कम होती है, वहीं पर ही कुरुक्षेत्र में भी और सोनीपत में भी दोनों जगह 200 से ज़्यादा हमारी महिला साथियों ने पार्टिसिपेट किया इस सेमिनार में। तो उसके लिए मैं आप सभी को बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगा। और जैसे कि हमने हमेशा कहा है कि ISO हमेशा इक्वालिटी, एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट के लिए खड़ा है, और आपके हक के लिए, आपके अधिकारों के लिए खड़ा है। तो उसके लिए मैं यही कहना चाहूँगा कि ISO इन वादों पे हमेशा खरा उतरेगा, हमेशा आपके साथ रहेगा, आपके हकों के लिए लड़ता रहेगा, छात्र संघ के और छात्रों के हकों के लिए हमेशा ISO लड़ता रहेगा। साथ ही साथ साथियों, कल ISO का नशे के खिलाफ एक अभियान है, एक सेमिनार है, जो हम CDLU में ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। तो उसके लिए भी सभी साथियों से मेरी गुजारिश है, खासकर जो मेरे छात्र साथी हैं वहाँ से, कि आप भारी से भारी संख्या में आए, आप इसमें पार्टिसिपेट करें इस सेमिनार में। क्योंकि साथियों, मैंने एक चीज़ देखी है कि सिरसा जिले के अंदर ड्रग्स की एक बड़ी प्रॉब्लम आज के दिन कहीं ना कहीं बढ़ती जा रही है। तो इसके खिलाफ भी एक सेमिनार ऑर्गेनाइज कराया है ISO ने, आप सभी आए और इसमें भागीदारी लें। साथ ही साथ एक बार फिर से कुरुक्षेत्र की और सोनीपत की दोनों टीम्स को मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा, साथ ही साथ महिला टीम्स को बधाई देना चाहूँगा और बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। और हम हमेशा आपके हक के लिए और आपकी लड़ाई के लिए हमेशा आपके साथ रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों।